हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड के स्टार्टिंग उसी सीन से होता है जहां जियांगू ऑपरेशन थिएटर जाता है। तब वो डॉक्टर से पेशेंट के बारे में पूछता है, तब डॉक्टर उसे बताती है पेशेंट की बीपी ठीक है। वहीं जियांगू देखता है ये तो हार्मुल है। तब नर्स उसे बताती है आज के लिए यही हमारी डॉक्टर है। उसके बाद जियांगू ऑपरेशन स्टार्ट करता है, तभी पेशेंट से खून निकलता है। देखकर जियांगू पैनिक होता है, तब हानिल उस सिचुएशन को हैंडल करती है और जियांगू अच्छे से सर्जरी कर पाता है। उसके बाद जियांगू डेयोंग के पास जाता है और उससे पूछता है ये सब क्या है, हानिल यहाँ क्या कर रही है। तब डेयोंग उसे बताता है और हमें यहाँ एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ हम डेयोंग को हानिल के साथ देखते हैं, जहाँ हानिल उससे पूछती है मैंने सुना है कि सर्जरी के समय जियांगू को खून देकर पैनिक अटैक आया था। तब डेयोंग हाँ कहता है। तब हानिल कहती है मुझे उसकी चिंता हो रही है जब मैंने सुना कि वो फिर से काम करने वाला है क्योंकि उसे पीटीएसडी है। तब डेयोंग कहता है मुझे नहीं पता था कि सिचुएशन इतना ख़राब है उसके साथ। तब हानिल उससे पूछती है क्या उसका सर्जरी के समय मैं ओटी में मैं जा सकती हूँ। तब डेयोंग उसे परमिशन दे देता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ डेयोंग उससे पूछता है क्या मैंने ऐसा करके गलती की। तब जियांगू मना करता है और कहता है मुझे लगता है मैं अभी काम करने के लिए रेडी नहीं हूँ। तभी उसके पास हानिल आती है और कहती है तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम काम कर सकते हो। तब जियांगू कहता है मैं रेडी नहीं हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प भी लेना नहीं चाहता हूँ। तब हानिल पूछती है तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं लेना चाहते हो, तुमने ही कहा था कि मैं जब रेडी होंगी तब मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ। तब जियांगू कहता है हाँ मैंने ऐसा कहा था लेकिन मैंने इसके बारे में नहीं कहा था। तभी उनके पास हानिल और जियांगू के स्कूल के टीचर आते हैं जिसे देखकर जियांगू बहुत खुश होता है और टीचर जियांगू से कहते हैं मैंने तुम्हारा न्यूज़ देखा था इसलिए मैं तुम्हारी खबर लेने आया हूँ। उसके बाद हम हानिल जियांगू टीचर को देखते हैं, वो सभी लंच के लिए आए होते हैं, साथ ही उनके साथ डेयोंग भी आया होता है। तब टीचर हानिल से पूछते हैं क्या तुम्हें याद है तुम क्लास में चिली खाया करती थी नींद नहीं आने के लिए। और यहाँ हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ हानिल चिली खा रही होती है, जो देखकर जियांगू अपने दोस्त से पूछता है ये क्या कर रही है। तब उसके दोस्त कहते हैं कॉफ़ी से उसका नींद में हेल्प नहीं हो रहा था इसलिए उसने चिली खाना स्टार्ट कर दिया है। ये सुनकर जियांगू हैरान होता है। उसके बाद जियांगू देखता है हानिल की तबीयत ज़्यादा चिली खाने की वजह से ख़राब हो गई है। फिर वो हानिल को डॉक्टर से मेडिसिन लेते हुए भी देखता है पेट दर्द की वजह से। नेक्स्ट डे हम देखते हैं हानिल को पढ़ाई करते समय नींद आ रही थी, तब वो खिड़की खोलकर हवा लेती है लेकिन उसका नींद नहीं टूटता है जिससे वो फिर से सिली खाने लेती है। तभी जियांगू आकर उससे रोकता है और कहता है आज से तुम ये नहीं खा सकती हो क्लास में। तब हानिल पूछती है क्यों, तब जियांगू कहता है मैंने तुम्हें देखकर नींद नहीं आने के लिए सिली खाना स्टार्ट किया था जिसके वजह से मुझे नर्स के पास जाना पड़ा और वो सबको बताता है आज से यहाँ सिली खाना बैन है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ डेयोंग टीचर को बताता है अभी भी ये दोनों झगड़ा करते हैं। तब टीचर उन्हें पूछते हैं क्या ये सच है, तब वो दोनों खाना का बहाना बनाकर मना करते हैं। तभी खाने के लिए फिर से उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। उसके बाद वो सभी बाहर आते हैं और टीचर उन्हें बाय कहकर चले जाते हैं। तब जियांगू हानिल को घर जाने कहता है लेकिन हानिल मना करके काम के लिए जाने लगती है। तब जियांगू जाकर उसका हाथ पकड़ के कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। उसके बाद वो दोनों बात कर रहे थे जहाँ जियांगू कहता है मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैंने सिली नहीं खाया था, मैंने तुमसे झूठ इसलिए कहा था क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता थी, तब तो मैं तुम्हें लाइक भी नहीं करता था लेकिन अभी मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें पेन में देखकर मुझे कैसा फील होता है, तुम्हें अभी बस रेस्ट लेना चाहिए। तब हानिल कहती है तुम्हारा क्या, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। तब जियांगू कहता है मैं भी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि दोनों एक साथ मिलकर सफ़र करते हैं लेकिन तुमने मना कर दिया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था। और वो वहाँ से चला जाता है।
उसके बाद हम हानिल को घर में देखते हैं जहाँ बाडा आकर उसे बताता है चटका लाइट ऑन है, साइड जंगू वापस आया है। ये सुनकर हानिल दौड़ते हुए ऊपर जाती है लेकिन वहाँ देओंग आया होता है। तब हानिल उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब देओंग कहता है जंगू ने मुझे उसका एक बुक लेने भेजा था, साथ ही तुमने कुछ अपना सामान क्लिनिक में छोड़कर आई थी उसे भी देने आया था और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हानिल वहीं बैठती है और वो जंगू के घर की तरफ देखती है। फिर हम हॉनरन को देखते हैं, उसकी मॉम उसे कॉल करके बताती है तुम्हारी आंटी गिर गई है जिसके वजह से वो अभी हॉस्पिटल में है, इसलिए तुम जिनू को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखो। तब हॉनरन कहती है मैं आकर जिनू को पिकअप कर लेती हूँ। उसके बाद हॉनरन जिनू को क्लिनिक लेकर आती है जहाँ वो अपनी फ्रेंड को कह रही होती है क्या तुम थोड़े समय के लिए जिनू का ख्याल रख सकते हो, मेरा अभी एक सर्जरी है इसलिए। तब वो बताती है मैं अभी यहाँ नहीं हूँ। वहीं उसकी बातें देओंग सुन लेता है और वो हॉनरन से पूछता है क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, मैंने खुद अपनी बेटी को अकेले बड़ा किया है, मैं कुछ घंटे के लिए तुम्हारे बेटे का बेबी सिटर बन सकता हूँ। ये सुनकर हॉनरन खुश होकर आई लव यू कहती है। फिर वो कहती है मेरा कहने का मतलब है थैंक यू। उसके बाद हम जिनू को देओंग के ऑफिस में देखते हैं जहाँ जिनू देओंग की नकल कर रहा होता है। तब देओंग एक हार्टलाइन बोलता है जिससे जिनू उसकी और कॉपी नहीं कर पाता है। तब देओंग खुश होकर उसे जीप दिखाने लगता है। तब जिनू कहता है मुझे मॉम के पास जाना है और वो जाने लगता है। तब देओंग उसे रोकते हुए सॉरी कहता है। उसके बाद हॉनरन जिनू को लेने जाती है तब वो देखती है जिनू देओंग के साथ बिल्कुल घुल मिल गया है और वो दोनों इंसेक्ट देख रहे होते हैं जिससे जिनू बहुत खुश होता है। तब देओंग हॉनरन से पूछता है अभी इसका कौन ख्याल रखेगा। तब हॉनरन कहती है कुछ समय के लिए मेरी कज़न जिनू का ख्याल रखेगी। तभी हॉनरन को कॉल आता है जिससे वो बात करने लगती है। तब उसकी फ्रेंड उससे कहती है क्या हम क्यूमिन की शादी से पहले मिल सकते हैं। तब हॉनरन कहती है हाँ मैं हानिल के साथ आऊँगी। तब उसे पता चलता है कि क्यूमिन के वजह से ही हानिल की ये हालत हुई है। वहीं ये सब जंगू भी सुन लेता है। फिर वो हॉनरन से कहता है क्या तुम बता सकती हो तुम अभी क्या बातें कर रही थी। तब हॉनरन कहती है मैं खुद कंफ्यूज हूँ, हानिल क्यूमिन के फेयरवेल पार्टी में गई थी और उसने क्यूमिन के फेस में बर्फ फेंक दिया था क्योंकि उसने उसका रिपोर्ट चोरी करके उसे यूज़ करके सारा क्रेडिट खुद ही ले लिया और उसने ही हानिल के बारे में झूठा रिमर फैलाकर उसका मजाक बना दिया था। उसके बाद जियांगू क्यूमिन के पास जाता है और उससे पूछता है तुम्हारे और हानिल के बीच में क्या हुआ था या तुमने हानिल के साथ क्या किया था। तब क्यूमिन कहता है हम दोनों के बीच में पोजीशन के लिए कंपटीशन हो रहा था जैसे सभी करते हैं प्रोफेसर बनने के लिए, वो खुद की वजह से बन नहीं पाई तो अब मुझ में ब्लेम कर रही है और वो उसकी बुराई करने लगता है। तब जियांगू को गुस्सा आता है और वो उसे मुक्का मारता है। फिर उन दोनों में फाइट होता है। तब दूसरे डॉक्टर आकर उन्हें रोकते हैं। उसके बाद हम हानिल को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं जहां वो सभी लंच कर रहे होते हैं। तब हानिल मॉम से कहती है मुझे पता चल गया है कि आपने कैबेज गार्डन में क्यों लगाया था, क्योंकि वो मेरे सेहत के लिए अच्छा है, आपने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया, अब से मैं अच्छे से खाना खाकर जल्दी ठीक होने की कोशिश करूँगी। उसके बाद हानिल चट में जाती है और वो जियांगू को कॉल करके कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या तुम मिल सकते हो काम के बाद। तब जियांगू कहता है मैं यहीं हूँ, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। वहीं जियांगू उसके पास आता है। तब हानिल उसकी चोट को देखकर पूछती है क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, क्या तुमने फाइट किया है। तब जियांगू उसे हग करता है और सॉरी कहता है मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ क्या हुआ था। उसके बाद हम उन दोनों को अंदर देखते हैं जहाँ हानिल मेडिसिन लगा रही होती है और वो पूछती है क्या तुम नहीं बताओगे तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कोई बात नहीं अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो। तब जियांगू कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा था और जब मैंने उस दिन तुम्हें सर्जरी रूम में देखा था तब मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था खुशी से, मैं तुम्हें बहुत मिस करता था। तब हानिल कहती है तुम मुझसे इतने रूडली बात क्यों कर रहे थे। तब जियांगू कहता है जब तुमने
मुझसे ब्रेकअप की बात कही थी तब मैं बहुत हर्ट हुआ था। मैं अब से स्ट्रांग बनने की कोशिश करूँगा ताकि मैं तुम्हारे हर सिचुएशन में तुम्हें संभाल पाऊँ और कल के लिए सॉरी। तब हानल कहती है, जब मैंने अपना जॉब छोड़ा था तब मुझे लगा था कि मेरी लाइफ ख़त्म होगी, लेकिन तुम्हारे आने पर मेरे पास बहुत सारे हैप्पी मोमेंट है। तुमने मुझे हॉस्पिटल के बाहर का लाइफ दिखाया है, तुम्हारे साथ भी सेम जाता है ये। हाँ, यह दोनों इमोशनल हो जाते हैं। फिर वो दोनों रेडी होकर क्लब जाते हैं, जहाँ जाकर हानल बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डांस करते हैं और खुश होते हैं। तभी जंगो ड्रिंक लेने जाता है, तभी हानल के पास एक लड़का आता है और वो पूछता है, क्या तुम यहाँ अकेले आई हो? तब वहाँ जंगो आकर कहता है, ये मेरे साथ आई है। तब वो लड़का पूछता है, क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो? तब जंगो कहता है, हाँ मैं इसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। तब हानल ये सुनकर मुस्कुराती है और वो जंगो से पूछती है, एक्स थोड़ा धीरे से कहा? तब जंगो कहता है, अभी तुमने मुझे दम कर दिया है, मैं खुद को तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं कह सकता हूँ। उसके बाद वो दोनों घर आते हैं, जहाँ हानल जंगो से कहती है, आज टीचर क्लिनिक में तुमसे सर्जरी कराने आए थे, यहाँ हम देखते भी है। जब हानल टीचर से मिली थी तब उसे पता चलता है कि उनके बैग में लंप है। तभी वहाँ देओंग आता है, तब हानल देओंग को इसके बारे में बताती है और तब वो चेक करता है और कहता है, ये तो बड़ा है। तब हानल उनसे पूछती है, आज आप यहाँ ये दिखाने आए थे ना, आपने क्यों नहीं बताया? तब यहाँ हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जब टीचर जियोंगो के क्लिनिक जाते हैं। तब उन्होंने नर्स को बात करते हुए सुन लिया था कि जियोंगो को सर्जरी के समय पैनिक अटैक आया था, जिससे उन्होंने इसके बारे में जियोंगो को नहीं बताया। और टीचर हानल और डेओंग से कहते हैं, तुम दोनों इसके बारे में जियोंगो को कुछ भी नहीं बताना। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ हानल कहती है, मैं और डेओंग उनकी सर्जरी करेंगे, तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि तुमने कुछ नहीं सुना है। तब जंगो कहता है, मैं उनकी सर्जरी करूँगा। तब हानल कहती है, अगर तुम रेडी नहीं हो तो तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद को पुश मत करो। तब जंगो कहता है, मैं रेडी हूँ, मुझे ट्रॉमा से बाहर आने के लिए कोई रीज़न तो चाहिए, वो रीज़न तुम हो, मेरी हेल्प करो। उसके बाद हम देखते हैं जंगो और हानल मिलकर टीचर की सर्जरी करते हैं, जहाँ जंगो को पैनिक अटैक भी नहीं आता है। उसके बाद जंगो और हानल सारे क्लिनिक स्टाफ के साथ पार्टी कर रहे होते हैं। तभी हानल को हॉर्नरन का कॉल आता है, जिससे वो बाहर हॉर्नरन के पास जाती है। तब हॉर्नरन उससे कहती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम जंगो की हेल्प कर रही हो? तुमने मुझे क्यूमिन के बारे में भी कुछ नहीं बताया, क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ? तब हानल कहती है, ऐसा नहीं है। तब हॉर्नरन उसे हक करती है और कहती है, मैं खुश हूँ कि जंगो ने क्यूमिन को मारा। ये सुनकर हानल शॉक होती है। उसके बाद हानल अंदर जाती है, तब जंगो उससे मैसेज करके पूछता है, तुम किससे मिलने गई थी? तब हानल कहती है हॉर्नरन से, और वो पूछती है, तुम्हारी चोट अभी ठीक है ना? मुझे बता, तुमने क्यूमिन को उससे मारने से ज़्यादा तुमने उसे मारा ना? तब जंगो हाँ कहता है। उसके बाद वो सभी गेम खेलते हैं और हानल को क्वेश्चन आता है, क्या तुम अभी रिलेशनशिप में हो? तब हानल इसके लिए मना करती है। फिर जंगो को क्वेश्चन आता है, तुमने रिसेंट किस कब की थी? तब जंगो कहता है, 10 साल पहले। उसके बाद हानल और जंगो बाहर आते हैं, जहाँ हानल कहती है, मुझे क्यूमिन के बारे में तुमने पहले ही बता देना चाहिए था। तब जंगो उससे पूछता है, तुमने अंदर ये क्यों कहा कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? तब हानल कहती है, तुमने भी तो झूठ कहा था कि तुमने 10 साल पहले किस किया था। और यहाँ हम फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जब हानल जंगो को मेडिसिन लगा रही थी तब जंगो उससे किस करता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और जंगो हानल को फिर से किस करता है और वो पूछता है, क्या अभी भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? तब हानल कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड है। और वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड एंड होता है। और आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।